दोस्तों अपने स्क्रीन पर आप जिस फाइटर जेट को देख रहे हैं ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट है। ये यूएस का फाइटर जेट है जिसे F-35 कहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस फाइटर जेट में मिसाइल की जो कैरिंग कैपेसिटी है, टोटल मिसाइल को रखने की जो क्षमता है, वो केवल 6 मिसाइल को कैरी करने की क्षमता है। अमेरिका के इस फाइटर जेट में 6 एयर टू एयर मिसाइल को रखा जा सकता है। नौ हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस चीज से भारत को फायदा ना हो उस पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फाइटर जेट पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने प्यारे भारत के HAL हेल के द्वारा जिस फाइटर जेट को तैयार किया जा रहा है उसमें 6 नहीं बल्कि 8 एयर टू एयर मिसाइल को रखने की कैपेसिटी होगी। और ये कैपेसिटी आपको दुनिया के किसी भी फाइटर जेट में देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट के मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अमेरिका के पास जो F-33 फाइटर जेट है उसमें मात्र 6 मिसाइल को रखा जा सकता है, लेकिन भारत जो बना रहा है उसमें हम लोग 8 मिसाइल को रखेंगे। उसकी कैपेसिटी 8 एयर टू एयर मिसाइल की होगी। तो आइए जानते हैं भारत ऐसा कौन सा फाइटर जेट बना रहा है जो कि अमेरिका के पूरे दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट मिसाइल के कैपेसिटी के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, अमेरिका का जो सबसे पावरफुल फाइटर जेट है उसका नाम है F-35 जिसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी 6 है, और रशिया का जो सबसे पावरफुल फाइटर जेट है उसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी 4 है। लेकिन अपने प्यारे भारत के हेल के द्वारा एक ऐसे फाइटर जेट को रिवील किया गया है। इस फाइटर जेट का नाम है तेजस MK-2 जो कि 8 BBR मिसाइल को कैरी कर सकता है, और ऐसा करने के बाद दुनिया के जितने भी कॉम्पिटिटर है हम उनसे आगे निकल जाएंगे। HAL हेल के द्वारा इस तेजस MK-2 फाइटर जेट का डिजाइन तैयार किया गया है जो कि एक इंडियन सिंगल इंजन मल्टी रोलर कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। इस वाले एयरक्राफ्ट को हेल के 2 लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जा रहा है। एक का नाम है ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरा है ARDC एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर। इन दोनों के द्वारा कोलैबोरेशन करके इंडियन एयरफोर्स के लिए हेल तेजस MK-2 को तैयार किया जा रहा है। इस MK-2 मिसाइल का निरीक्षण हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद किया है। हम लोगों ने पहले तेजस MK-1 को बनाया था लेकिन उसकी जो रेंज है वो काफी कम थी। इसके बाद हमने LCA तेजस MK-2 को बनाया जिसका रेंज 120 मिनट्स का था। LCA तेजस MK-2 8 BBR मिसाइल को कैरी कर सकता है। ये मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसको हम लोगों ने इंडिजिनस रूप से तैयार किया है भारत में ही। नौ BBR मिसाइल क्या होता है? BBR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि एयर टू एयर मिसाइल। अपने भारत का जो अस्त्रा मिसाइल है वो भी BBR मिसाइल है। बेसिकली BBR मिसाइल वो है जो 37 किलोमीटर के दूरी पर अगर कोई टारगेट है उसको भी आसानी से उड़ा दे, वो भी एयर टू एयर। और भारत का जो तेजस MK-2 मिसाइल है वो इसी तरह के 8 BBR मिसाइल को एक साथ कैरी कर पाएगा और हवा में अपने दुश्मन को टारगेट कर पाएगा। ये मिसाइल हमारे लिए इतना खास इसलिए हो जाता है क्योंकि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया में अब तक कोई भी ऐसी एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है जो कि 8 BBR मिसाइल को कैरी आउट करे, और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। आप अपने स्क्रीन पर तेजस MK-2 एयरक्राफ्ट के डिजाइन का फोटो देख पाएंगे कि कैसे ये 4 BBR मिसाइल को कैरी आउट कर सकता है। तेजस MK-2 के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि दुनिया में जितनी भी कंपनियां इस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाती है ये उनसे काफी यूनिक है। हमारा ये मिसाइल उनसे काफी ज्यादा यूनिक है और यही कारण है कि हमारे इस फाइटर जेट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी ज्यादा है, यानी कि हम आने वाले टाइम में तेजस MK-2 को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तेजस MK-2 मिसाइल को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसमें किसी भी देश के मिसाइल को लोड करवाया जा सकता है। अमेरिकन मिसाइल हो, इजरायली मिसाइल हो, फिलीपींस का मिसाइल हो, रशियन मिसाइल हो, किसी भी मिसाइल को हम लोग इसमें लोड कर सकते हैं। तो एक रीजन ये भी है कि जिन देशों के पास अपना खुद का मिसाइल होगा वो हमारे इस फाइटर जेट को खरीदेंगे और अपने मिसाइल को इसमें लगा करके यूज करेंगे। भारत में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है अमेरिका को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में अमेरिका पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, लेकिन अमेरिका में जो वेपन्स मौजूद है हम उनसे भी खतरनाक वर्जन के वेपन्स को तैयार कर रहे हैं। इस फाइटर जेट को लेकर के अमेरिका इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि हमारे इस फाइटर जेट में जो इंजन का यूज किया जा रहा है उसको अमेरिका से ही लिया गया है। अभी अगले साल ही PM मोदी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने GE एरोस्पेस F414 इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के डील किया था और इसी इंजन का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अमेरिका यहाँ पर सोच रहा है कि भारत इंजन हमसे ले रहा है और हमसे भी खतरनाक मिसाइल बना दे रहा है, हम ही से लेकर के हम ही से आगे निकल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को गुस्सा आएगा। खैर अब तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुका है, भारत की कई कंपनियां इस पर काम भी कर रही है, चाहे वो DRDO हो, हेल हो, हर किसी ने तेजस MK-1 और तेजस MK-2 दोनों का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। अपने भारत का जो तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट है वो इसी बार जुलाई के महीने में मिलने वाला है इंडियन एयरफोर्स को। हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 83 तेजस MK-1 मिसाइल का ऑर्डर दिया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, करीब करीब 36,500 करोड़ का डील था। और अब बताया जा रहा है कि 1-2 महीने के अंदर तेजस MK-1A की डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही जल्द हम लोग तेजस MK-1A को
अलग अलग कंट्रियों को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे। और तेजस MK2 भी तैयार हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा तेजस MK2 वर्ल्ड के पावरफुल एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।